राइबोसोम। राइबोसोम को शॉर्ट में लिख सकते हैं आर। अब देखिए राइबोसोम का कार्य क्या होता है। राइबोसोम का कार्य होता है प्रोटीन का निर्माण करना, यानी कि हमारे शरीर में प्रोटीन का निर्माण करने का कार्य होता है राइबोसोम का। राइबोसोम टाइप टू, मतलब कि राइबोसोम दो प्रकार के होते हैं, जैसे कि दो प्रकार के, एक होता है 70S, एक होता है 80S, मतलब 70S और 80S दो प्रकार के होते हैं। अब इसमें जो है ये 70S किस चीज़ में पाया जाता है, ये प्रोकैरियोटिक, मतलब समझते हैं आप, जैसे कि वायरस हो गया, जीवाणु हो गए, विषाणु हो गए, कोरोना वायरस हो गया, ये सब मतलब कि जो हमारे सूक्ष्म आँखों से, मतलब कि हमारे आँखों से ना दिखाई दें, उसको बोलते हैं प्रोकैरियोटिक। तो जैसे कि ये वायरस हो गया आपकी, देखिए कोरोना वायरस में जो है इसमें भी प्रोकैरियोटिक यानी कि 70S प्रकार के प्रोटीन होते हैं। 70S प्रकार के प्रोटीन होते हैं ये वायरस में, हुए जीवाणु हो गए, विषाणु हो गए, इसमें 70S प्रकार के प्रोटीन होते हैं। लेकिन हम में जो एनिमल होते हैं, एनिमल और पेड़ पौधे, इनमें होते हैं 80S। 80S में मतलब 80S प्रकार के प्रोटीन होते हैं, मतलब राइबोसोम होते हैं जो प्रोटीन का निर्माण करते हैं, यानी कि 80S प्रकार के जो है राइबोसोम होते हैं जो हमारे शरीर में प्रोटीन का निर्माण करते हैं। लेकिन ये वनस्पति और एनिमल दोनों में होता है। ये एनिमल में हम भी आते हैं, जानवर में, और जो वनस्पति में पेड़ पौधे झाड़ियाँ हो गई ये सब आते हैं जो वनस्पति में आते हैं। कुछ लोग तो समझ रहे होंगे हम शेर हैं, और कुछ लोग समझ रहे होंगे कुछ और। तो लेकिन आप एनिमल में ही आते हैं, चाहे आप शेर बोलिए, सब आते हैं जानवर में। बंदर आपके आपके जो है, अब हमारे जो पूर्वज हैं वो बंदर को ही बोला जाता है, यानी कि हमारे करीबी जो पूर्वज हैं उनको बंदर को ही हमारे पूर्वज माना जाता है, यानी कि जब वो एनिमल में आते हैं तो हम भी एनिमल में ही आते हैं। ओके, अब इसके बाद में देखिए जो इसका कार्य क्या होता है, ये होता है कि हमारे शरीर में जो है प्रोटीन का निर्माण करना। अब ये राइबोसोम पाया कहाँ जाता है, यानी कि ये राइबोसोम मिलता कहाँ है, ये ER इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में मिलता है, यानी कि ER में मिलता है। अभी हमने हमने पढ़ाया था इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, जाके उसको क्लिक करके आप इसका वीडियो देख सकते हैं। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जो है राइबोसोम कहाँ मिलता है, चलिए थोड़ा सा यहाँ पे हिंट से बता देते हैं, थोड़ा सरसरी निगाह से। देखिए जो ER होता है इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में दो भाग होते हैं, यानी कि एक स्मूथ होता है, स्मूथ मतलब चिकना, एक चिकना होता है और इसके एक होता है रफ, मतलब खुरदुरा होता है, और स्मूथ मतलब चिकना होता है, यानी कि देखिए। और इसमें जो यहाँ पे छोटे छोटे जो दिखाई दे रहे हैं बिंदु जैसे या उंगली टाइप जैसे, ये होते हैं राइबोसोम। क्या होते हैं? राइबोसोम। यहाँ पे देखिए जस्ट ध्यान से, ये होते हैं राइबोसोम, राइबोसोम, राइबोसोम। इनका कार्य क्या होता है? इनका कार्य होता है प्रोटीन बनाना, यानी कि प्रोटीन का निर्माण करना। जो कार्य होता है वो प्रोटीन का निर्माण करना। यह कार्य इनका प्रोटीन का निर्माण करना। लेकिन जो ये राइबोसोम होते हैं ये ज़्यादा किस में पाए जाते हैं? ER, मतलब इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में ही ज़्यादा पाए जाते हैं। इनका कार्य जो होता है वो प्रोटीन का निर्माण करना। लेकिन जो रफ वाले होते हैं इसका तो राइबोसोम होगा ही, लेकिन जो स्मूथ होता है यानी कि चिकना होता है, उनका कार्य क्या होता है? उनका कार्य होता है फैट बनाना, यानी कि FAT। उनका कार्य क्या होता है? फैट बनाना। फैट यानी बोले तो चर्बी। चर्बी का निर्माण करना है, जैसे कि मोटे मतलब जो मोटे हो जाते हैं, शरीर से थोड़ा मोटे हो जाते हैं, उनके अंदर में चर्बी ज़्यादा होती है, फैट ज़्यादा होती है। अब वो फैट जो है वो किसके कारण बनता है? वो यही बनाता है, यानी कि स्मूथ रेटिकुलम। यानी कि जो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में दो भाग होते हैं, एक स्मूथ एक रफ होता है। जो स्मूथ वाला होता है, चिकना भाग होता है, वो बनाता है फैट। फैट बोले तो चर्बी।